नरेशन में सम रूल्स ऑफ चेंजिंग कुछ ऐसे नियम है इसको चेंज करने के लिए। चेंज करने के नियम जैसे मान लो यहां हम लिखते हैं वन टू थ्री का मतलब हुआ, वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, टू का मतलब और थ्री का मतलब थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदल जाता है तो सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन का अगर करता होगा तो उस सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, बदल जाता है। सेकेंड पर्सन का करता होगा तो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार बदलेगा। और थर्ड पर्सन का करता क्या होगा, नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन बदलता नहीं है, थर्ड पर्सन जैसे के तैसे रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहता है। अब यहां पर रहा कि कौन फर्स्ट पर्सन का करता है या कौन सेकंड पर्सन का करता है या कौन थर्ड पर्सन का करता है, उसको जानना जरूरी है ना। तो इसमें सबसे पहले होता है, जैसे यहां लिख लो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट लिखेगा, इसके बाद रिलेटिव क्या है उसका, यानी उस शब्द सब्जेक्ट का रिलेटिव क्या होता है, इसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसके बाद पोजेसिव, उसका तो कोई जरूरी नहीं है इसमें, यहां पर्सन लिख लेते हैं। अब यहां बनाएगा, अब यहां एक का मतलब फर्स्ट पर्सन हुआ ना, यहां एक लिखो यानी फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट कौन कौन है ये जानना जरूरी है, तो इसमें आता है एक आई, एक आता है वी, ये दोनों किस पर्सन के करता है, फर्स्ट पर्सन के करता है दोनों। फर्स्ट पर्सन आई का रिलेटिव क्या होता है, माई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। वी का रिलेटिव क्या होता है, आवर्स, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है। टू यानी ये सेकेंड पर्सन है, क्या है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में एक ही करता आता है यू, इसका रिलेटिव होता है योर्स और इसका ऑब्जेक्ट है यू। इसके बाद आता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में करता आता है हे, से, एट, नाम, एक होता है दे, इस सब किस पर्सन के करता है, थर्ड पर्सन के करता है ये सब। अब थर्ड पर्सन में इनका रिलेटिव, इनका लिखेंगे ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन के करता में ही का जो होता है रिलेटिव हिज होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेम होता है। सी का रिलेटिव हर होता है और ऑब्जेक्ट भी इसका हर होता है। एट का एट्स होता है और ऑब्जेक्ट इसका एट। कोई भी नेम हो, अगर स्त्री का नाम होगा तो उसके लिए सी का रिलेटिव आप लगने लगता है या सब्जेक्ट लगने लगता है। अब पुरुष का होगा तो किसका लगेगा, हे का। तो यहां मान के चलो नेम को नेमे लिख दो, नेम। इसके बाद दे, तो दे का रिलेटिव होता है देयर और ऑब्जेक्ट में होता है देम, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या होता है, ध्यान दो ऊपर, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी आई वी जब यहां सब्जेक्ट बनेंगे तो उस सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। सेकेंड पर्सन का जो ये करता है ऑब्जेक्ट के अनुसार हमेशा क्या होता है, बदल जाता है। और थर्ड पर्सन में देख लो कितने करता है, ये कभी बदलते नहीं है, ये नियम कहता है।
आगे नियम क्या है, नोट है इसमें कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर वह रहता है, नोट लिख लीजिए, डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में रहे तो टेंस बदलेगा, क्या होगा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब, कल देखा था ना रिपोर्टिंग वर्ब कहां होता है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट फॉर्म में रहता है तो उसका टेंस में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, और नहीं रहे तो नहीं बदलेगा। अगर पास्ट टेंस में नहीं है तो बदलेगा नहीं, नियम कहता है। इसके बाद आता है चेंज ऑफ थ्री पार्ट्स इन नरेशन। अब यहां पर आता है चेंजिंग ऑफ पार्ट्स, क्या क्या कैसे बदलते हैं, चेंजिंग ऑफ पार्ट्स, नियम यहां से अलग हो रहा है, नरेशन को कैसे देखा जाएगा। चेंजिंग ऑफ पार्ट्स, नरेशन में कहां कहां क्या बदलता है उसके बारे में यहां देखना है। चेंजिंग ऑफ पार्ट्स में अगर डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड स्पीच में बदलने समय इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दैट, यानी एक लाइन में यहां लिखो इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लिखे, क्या लिखेगा, दैट, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखेगा, दैट। इसके बाद है रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर मान लो रिपोर्टिंग वर्ब के जगह रिपोर्टिंग वर्ब में से रहे, चाहे सेज रहे और चाहे सेड रहे, सेड रहे, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलेगा, यानी से बाद रिपोर्टिंग वर्ब में अगर रॉल को ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसमें बदलाव नहीं होगा। तीसरा नियम है से, सेच, सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहे तो से जो है इसमें बदलेगा, टेल में। इसके बाद सेज जो है टेल्स में बदल जाएगा, किसमें बदलेगा, सेड जो होता है वो टोल्ड में बदल जाता है, सेड टोल्ड में बदल जाएगा। तीसरी के बाद चौथी बात, टेल, टेल्स, टोल्ड के बाद टू नहीं लगावे, कभी टू नहीं लगावे, यानी उसके बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। इतना बात याद रखते हैं। अब तू लोग के सामने देखने वाली बात है, आप लिखना बंद करके देख लो तब लिखना। यहां नियम देखो, ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया जाता है डायरेक्ट स्पीच में दिया गया ही सेज टू मी आई एम रेडी, लिखा गया ही सेज टू मी, ध्यान देकर देखो यहां पर He said to me, I am ready. ये डायरेक्ट में है। इनडायरेक्ट में इसको अगर बनाया जाए
तो नियम के अनुसार चलना है, ही तो सब्जेक्ट है, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। ही लिख दिया। अब कहता है कि यहां देखो नियम यहां पकड़ो, से सेज सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहे तो से टेल में, सेज टेल में बदल जाएगा, टेल्स में, और सेड जो है टोल्ड में बदल जाता है। तो देखो यहां सेज के बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट है तो सेज को किस में बदलना है, तो यहां क्या आ जाएगा, टेल्स। अब टेल्स के बाद टू हट जाएगा, मी आ जाएगा ना, मी। और इनवर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखना है, दैट। फर्स्ट पर्सन का कर्ता किसके अनुसार बदलेगा, तो फर्स्ट पर्सन का कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट आपका क्या है, तो ये आई हट गया, यहां का आ गया, ही जरे एम लगेगा, का लगेगा, हो गया क्या रेडी, ये बदल गया कि नहीं बदल गया। दूसरा एक और देख कर देख लो, डायरेक्ट स्पीच में मान लो आपको देता है सी, सी को हटा लो, यू से यू आर वेरी फाइन, सी यू से यू आर वेरी फाइन। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलेगा, तो यू तो सब्जेक्ट हो गया है ना, यू से के बाद ऑब्जेक्ट है तो नहीं है, देखो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो रिपोर्टिंग भर बदलेगा, यानी ऐसा ही रह जाएगा। इनवर्टेड कॉमा के बदले दैट, यू कौन पर्सन, देखो सेकेंड पर्सन पे यू है ना, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदल जाता है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें देखो तो नहीं है, तो नहीं है तो नहीं बदलेगा, ऐसा ही रह गया, यू आर वेरी।